ये कांग्रेस पार्टी इस समय शराब के पैकारी वालों की पार्टी हो गई है। उसके पति को शराब के पैसे का नशा है। इस बयान का प्रत्युत्तर भी आया है अभय मिश्रा जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि रीवा सांसद कोरेक्स पीते हैं और इसलिए वो जरूर बयान देते हैं। क्या कहेंगे आप? मेडिकल चेकअप हो जाए तो पता चलेगा कि नशा कौन करता है कौन नहीं करता है। मेडिकल चेकअप जरूरी है, मेडिकल चेकअप करा लें, वो अपना चेकअप करा लें, हम भी अपना चेकअप करा लेंगे, कौन क्या पीता है पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ रीवा के मौजूदा सांसद और मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा जी। आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज पर। और इस चुनावी महासभा में आप तीसरी बार उम्मीदवार के तौर पर हैं, तो क्या तैयारियां हैं इस बार? तैयारी हमारे पार्टी की रहती है, पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन का ढांचा तैयार है और उन्हीं की ताकत पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए तैयारी तो पहले से ही संगठन ने पूरी करके रखी है। पिछली बार के जो आपके प्रतिद्वंदी थे, इस बार आपकी पार्टी से वो विधायक हैं और प्रतिद्वंदी अब है नीलम मिश्रा जी हैं, तो इस बार किस तरीके से चुनौती मिलती दिखाई देती है? देखिए, अब ये कांग्रेस पार्टी इस समय शराब के पैकारी वालों की पार्टी हो गई है। अब शराब के पैकारी वाले हैं तो शराब की पैकारी का जो नशा होता है वो उस उम्मीदवार और उस उम्मीदवार क्या उम्मीदवार तो घरे डमी है, उसके पति को शराब के पैसे का नशा है वो, पर जनता के सैलाब के आगे और मोदी जी के प्रति जो लहर है, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जो गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में जो अद्भुत उत्कंठा है, उसके सामने ये सब कुछ सब बह जाएगा, उसका कोई चुनौती नहीं है। और इस बार अगर आप सांसद बनते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल है तो काफ़ी अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है, दो बार से आप सांसद भी हैं, तो इस बार अगर आप रीवा के लिए सांसद बनते हैं तो कौन से ऐसे प्रमुख कार्य होंगे जो रीवा के लिए एक विकास की आधारशिला रखेंगे? सबसे बड़ी चुनौती है इस जिले को, इस संसदीय क्षेत्र में 9 लाख एकड़ में सिंचाई का रकबा बढ़ाना, वो पहली प्रायोरिटी है। दूसरा है रेल और हवाई मार्ग का विस्तार करना और उसमें रीवा से मिर्जापुर वाया हनुमाना रेलवे लाइन भी शामिल है। और तीसरा है पर्यटन के क्षेत्र में, इस संसदीय क्षेत्र को पर्यटन के लिए कोई उत्सुकता और उत्साह का वातावरण पैदा करना, क्योंकि पर्यटन की अपूर्व संभावनाएं यहाँ हैं, लेकिन उसके लिए अभी माहौल नहीं है न जागरूकता है, तो माहौल भी बने, जागरूकता भी पैदा हो और पर्यटन का ये किस तरह से सेतु बने इस पर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम समय में हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ रीवा के सांसद महोदय और मौजूदा बीजेपी कैंडिडेट जनार्दन मिश्रा जी, जिन्होंने अपने चुनावी माहौल को लेकर के, चुनावी समय को लेकर के अपनी बात रखी। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।